पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। पुलिस ने जबरन करना चाह रेड, सुनिए डीजीपी साहब, आपके पुलिस पदाधिकारी के कारनामों से आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। जब आम नागरिक को कोई परेशानियां होती हैं, तो वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, जिसके बाद उसे पुलिस भी मदद करती है। लेकिन सुनिए डीजीपी साहब, आपके पुलिस के कारनामों से आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, एक पुलिस पदाधिकारी का कारनामा उजागर हुआ है। उसमें साहब एक महिला को छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट जाता है और इस महानुभाव को पीटा जाता है। मधुबनी जिले के पतौनी ओपी में पदस्थापित पुण्य प्रताप सिंह है, जो कि जगवन पंचायत के बलभिंडा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान यह महिला शौच के लिए निकली थी। महिला से जबरन दुष्कर्म करने वाला था, मगर यह महिला ने शोर मचाया और उसके बाद तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए और इस साहब को अच्छी तरह से पिटाई कर दी। जरा देखिए किस तरह से इस साहब को गुस्साए महिला चप्पल जूतों से पिटाई कर रही है। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुण्य प्रताप सिंह को मरम्मत कर रही है। दरअसल ये महिला शौच के लिए एक खेत में गई थी और उसी दौरान यह साहब इसको जबरन रेप करना चाह रहे थे, जो कि महिला खुद मीडिया को बता रही है। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके साथ घटना रात में यहाँ पूजा के दौरान? हम अकेले बन छे ना, तो घड़ी से वो पीछा लागल, हाँ अकेला देखा ना, पीछा लागल साथ में कौन वहाँ पर हम खेत में तक गेली तो वजह जाके ठड़ा हो गए वजह आई पानी नीचे पानी के कह के अगर कौन था वो? आपको कुछ कहा भी वो? कुछ बोल हम पर आवे न करी ना, रोड पर आवे न करी तो आए महन जाए तो आए महन खीन को आए महन जो वो रास्ता महन तो आए महन ऊपर हमारे खेत में से ऊपर आ गई नहीं तो खेत से ऊपर नहीं आने देना था तो टॉपे लग खेत में टॉपे लग कर चुप करी बच्चा को चुप कर क्या कब कब आधा घंटा तक लो वजह से हमारा ऊपर हो ही नहीं थे खेत में से। कब की घटना है ये? पाँच बजे साढ़े पाँच। कहाँ का था वो? अब हमें नहीं पता कहाँ। किस थाना का था वो पता है ना आपको? नहीं पता। किस थाना का वो था पता पता है तुमको? बताओ। छपरा सिवान गोरखपुर और कटियापुरा देखते हैं, अकेले हैं हमको जो उल्लू बनाइएगा कि हम बाथरूम चल रहे हैं। अच्छा सर, इतना दिन से हम भी बना रहे हैं, किसी के साथ डाल दे टिकटॉक पर हम लाइक भी लाइक मिल दिया। आप तो मालिक देख रहे हम किसी से इतना लोग गए पूछे थाने पहुंचा हम यहाँ पे कभी आए किसी से खराब बताओ यहाँ कभी किसी बवाल नहीं होता है मस्ती करता आप यहाँ बच्चे लोग एहन बात रहती है गलत नहीं ना रहती है सब गलत बोले अच्छे बातें तो ऐसा नहीं आपको घेर के रखता सब अंदर में आपको वर्दी का कसम खाए तो कुछ नहीं बात मेरी हम कसम फिर खा रहा हूँ कुछ भी वर्दी का कसम क्या जा रहा है क्या? तीन साल से आते हैं पीछे हम भी है ऐसा नहीं है वो फोन जो बोला वो समझ में आता है कुछ दिन खराब बात बात करती है ये समझ में आ जाए कुछ लेडी सब जा रहे वही तो वर्दी वर्दी क्या होता मालूम है वर्दी माँ होता है हमको नहीं पता है कुछ लेडी लोग जाती है हम जेंट्स लोग भी जा रहे हैं चले गए नहीं तो हम नहीं जाते उधर वही तो बोल रहे हम भी नहीं समझे की पुलिस वाला है हमको बोला विश्वास कीजिए हम इसका वीडियो बना लो व्हाट्सएप पर वीडियो बना रहे बैठिए आराम से बैठिए ना आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार अंदर बैठिए आप अपने मोहन जी हजी मोहन जी मोहन जी मोहन जी आप बैठिए पहले बैठिए बैठना तुम हाजी मोहन जी आप बैठिए अंदर आराम से पूर्ण प्रताप सिंह पूर्ण करता बहुत पूर्ण करता है हम कुछ भी गलत फहमी हो गया फोटो खिंचा रहे हम कुछ भी एक साथ किसी को भी हम गाड़ी में सुनिए ना सुनिए ए बाबू प्रताप सिंह आप ऐसे बात मत कीजिए आप लोग समझदार प्रताप सिंह यहाँ नहीं रहते।